दोस्तों, अगर आपके पास भी एक रियलमी का स्मार्टफोन है और वो गलती से आपसे लॉक हो गया है, अगर आप बहुत परेशान हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो को आपने क्लिक किया है, बिल्कुल सही वीडियो को आपने प्ले किया है। दोस्तों, मेरा नाम है रवि वर्मा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइंड डिस्क। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं कि आपको सब्सक्राइब करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रियलमी का हैंडसेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉक लगा हुआ है, पासवर्ड लॉक यहाँ पे लगा हुआ है। दोस्तों, इस टाइप के लॉक हर कोई बंदा अनलॉक कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप अगर आपका स्मार्टफोन लॉक है और आपने इस तरीके से अपने स्मार्टफोन को जब रीस्टार्ट कर दिया, तो बहुत ही टफ हो जाता है और अनलॉक करना। जी हाँ दोस्तों, ये मैं समझ सकता हूँ। अगर एक फ़ोन डेवलपर, अगर अच्छा डेवलपर को आप दिखाइएगा अपना स्मार्टफोन इस टाइप से पहले वाला पासवर्ड में, और अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिस टाइप के पासवर्ड, पासवर्ड के तरीके भी बहुत अलग अलग होते हैं, टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। मैं यहाँ पे पैटर्न की बात नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे 6 लेयर, 4 लेयर और 3rd लेयर सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इन सब टाइप की जो सिक्योरिटी जो होती है काफ़ी टफ होती हैं, जो कि ईमेल आईडी से बाउंड किया जाता है। जब भी आप फॉरगेट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉरगेट नहीं होता है, तो वो आपका FRP से होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ मैसेज आ रहा है कि फ़ोन रिक्वायर्ड व्हेन फ़ोन रीस्टार्ट, यानी कि आपने फ़ोन को ऑन ऑफ कर दिया है, अब यहाँ पर आपका कुछ नहीं हो सकता है, ना ही फिंगर, कुछ भी यहाँ पर आपका काम नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो फिर यहाँ पर क्या करना है, मैं इसी के लिए यहाँ पे बैठा हुआ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो कैसे आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करेंगे। इस वीडियो में पूरी के पूरी डिटेल के साथ हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रा सा भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला जो काम आपको ये करना है कि हमें अपने स्मार्टफोन में से सिम कार्ड कभी नहीं निकालना है, जब भी आपका फ़ोन लॉक हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि सिम निकाल देते हैं, कहते हैं कि भाई जब फ़ोन डेड है तो उसको उस तरीके से क्यों रखें, उसमें से सिम निकाल के वो लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन ये गलत बात है, आपका सिम जो है आपके फ़ोन में लगा होता है, आपका फ़ोन ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये सिम कार्ड है, तो उस वो जो अनलॉक होने में भी दिक्कत होता है, तो एक तरीके से उसका पासवर्ड पैटर्न लॉस हो जाता है। इसी कारणवश आप जब भी सही भी पासवर्ड पैटर्न डालते हैं तो वो ओपन नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपका जो सिम कार्ड है वो निकला होता है। नीचे इमरजेंसी कॉल का आपको एक बटन दिख रहा होगा, आप इसका उपयोग नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहीं से आपका फ़ोन अनलॉक होता है, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। शायद हमारे वीडियोज़ को जो रेगुलर देखते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको पता चल जाता होगा कि हाँ, कि इंजीनियर मोड से क्या होता है, क्या हो सकता है। इमरजेंसी कॉल के थ्रू जब भी कोई सेटिंग करते हैं, हर बंदा आपको इसी कोड के बारे में, इसी मेथड के बारे में बताएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे इमरजेंसी कॉल पे जाते हैं, आपको देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपका गूगल का जो FRP है, हम लोग उसको यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लॉक करेंगे। तो गूगल के FRP को ब्लॉक करने के लिए ये कोड आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ये कोड फ़िलहाल जो है 5 जुलाई तक वर्क करेगा, ध्यान रखिए 5 जुलाई तक वर्क करेगा। और इसको फ़िलहाल यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सिक्स टाइम आपको इसको कॉल करना है, और 6 टाइम कॉल करने के बाद आपको यहाँ से ये नंबर हटा देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ से ये नंबर हटा देना है। इसके बाद जो प्रोसेस आपको करना है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत बार शायद आपने इसको किया होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार आपने इस मेथड का उपयोग किया होगा। अब यहाँ पर हमें अपने स्मार्टफोन के डेवलपर ऑप्शन को यहाँ पे बंद करना है। जी हाँ दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन को बंद करने के लिए जो छोटा सा कोड है, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन का कोड ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, ये एक तरीके की यूनिक कोड होते हैं जो कि हिडन कमांड के थ्रू काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का कोड है जो कि हिडन कमांड में काम करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस कोड से क्या हो सकता है। अगर आप UPI पेमेंट करते होंगे पहले, तो याद है कोड के थ्रू UPI पेमेंट करते, जैसे होता है ना कि बैलेंस चेक करने के लिए कोई यूनिक कोड होता है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे यूनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। अगर आप एक अच्छे डेवलपर हैं तो आपको कोडिंग के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर इसको हम 1 टाइम कॉल करेंगे इस तरीके से,
और हमने यहाँ पे इस तरीके से कॉल किया। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनली जो आपको मैं एक नंबर दूंगा, ये नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। ये जो नंबर होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके इस स्टेप में। इस नंबर को आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। ये एक तरीके का अनलॉकिंग मास्टर कोड है जो कि आपके स्मार्टफोन में काम करने वाला है। तो इसको हमें यहाँ पे वन टाइम ही कॉल करना है, ध्यान रहे एक बार ही इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो दो बार कर लीजिएगा, लेकिन पांच बार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर कोड का अलग अलग टाइमिंग टेबल होता है। तो आपको इसी तरीके से इन सारे स्टेप को करना है। अब फाइनली यहाँ पे वक्त होता है कि स्मार्टफोन के जितने भी डेटा है उनको सिक्योर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ अनलॉकिंग नहीं, अनलॉकिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन डेटा को बचाना ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात होता है कि आपका डेटा बच जाए। जितने भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट ऐप्स इंस्टॉल किए थे वो सब बच जाए, तो डेटा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी। तो डेटा बचाने के लिए यहाँ पे हम जो UFS कोड का प्रयोग करने वाले हैं, ये UFS कोड आपके हर फ़ोन में लगभग पाया जाता है। तो इस कोड को आप देख लीजिए, इस कोड की मदद से आप अपना डेटा जो है सिक्योर कर सकते हैं। आपका फ़ोन से डेटा नहीं जाएगा। मेमोरी कार्ड अगर आपने लगाया होगा अपने फ़ोन में तो प्लीज़ उस मेमोरी कार्ड को आप निकाल लीजिएगा। अगर ये स्टेप कर चुके हैं तो आप बैक जा सकते हैं, बैक करके भी आप जो है मेमोरी कार्ड को निकाल लीजिएगा, क्योंकि मेमोरी कार्ड UFS के अंतर्गत नहीं आता है। वो जो है सेकंड मैनेजर का ऑप्शन है, तो वो थर्ड पार्टी में चला जाता है। मींस फाइल मैनेजर जो फ़ोन की होती है उससे कोई लेना देना नहीं होता है मेमोरी कार्ड का। ओके, तो ये जो है मेथड करने के बाद आपको इसको 3 टाइम कॉल करना है, 1, 2 एंड 3। 3 बार हमने इस मेथड का प्रयोग किया, तीनों बार जब भी ये हमने किया तब तक हमारा फ़ोन जो है सिक्योर हो गया। अब फाइनली यहाँ पे आपको करना है *#8 1 2, और हैज दबाने से पहले मैं श्योर होना चाहता हूँ कि आपका फ़ोन अनलॉक हो, और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर किन्हीं कारणवश किन्हीं का फ़ोन अनलॉक नहीं होता है, वो हमसे कांटेक्ट करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ जाके मैसेजेस करें। थोड़ा समय लगेगा मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैसेज किए होते हैं, तो आपका मैसेज आते आते थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन रिप्लाई ज़रूर हम लोग करते हैं, उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। अब यहाँ पे *#8 1 2, अगर आपको अपने लिए कोई स्पेशल वीडियो बनाना है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप डायरेक्टली हमसे चैट कर सकते हैं। ज्वाइन वाले में आप अलग थोड़े प्रीमियम मेंबर हो जाते हैं, डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो बना के हम दे सकते हैं, तो ज्वाइन भी आप कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। अब यहाँ पे हैज आपको दबाना है, और हैज दबाते ही आपने देखा कि आपके सामने हमने फ़ोन को अनलॉक किया, और जितने भी ऐप्स बाय डिफ़ॉल्ट थे सब के सब, कुछ भी यहाँ पे हार्ड रीसेट नहीं हुआ है, सब वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, वो भी आप हमसे शेयर कीजिएगा, हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।